मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देख रहे हैं S9C जो कि आपका पेपर हो जाता है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है NCF 2005 एंड BCF 2008 के पाठ्यक्रम निर्माण के शिक्षा शास्त्रीय मान्यताओं की व्याख्या। यानी कि हम लोग का जो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम हो जाता है NCF यानी 2005 और BCF 2008 के पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षा शास्त्रीय मान्यताओं की क्या व्याख्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि हमारा लेक्चर संख्या 7 हो जाता है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ NCF 2005 एंड BCF 2008 के पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षा शास्त्रीय की मान्यताओं के बारे में। तो यहाँ कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचार्य की रूपरेखा 2005 यानी NCF तथा 2005 अर्थात बिहार पाठ्यचार्य की रूपरेखा 2008 ने विद्यालय भवन के शैक्षिक उपयोगिता को रेखांकित करते हुए उसमें परिवर्तन पर जोर दिया। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचार्य की रूपरेखा 2005 यानी NCF और बिहार की जो पाठ्यचार्य है की रूपरेखा 2008 ने विद्यालय भवन के शैक्षिक उपयोगिता को रेखांकित करते हुए उसमें परिवर्तन पर जोर दिए हैं। NCF 2005 ने विद्यालय भवन को लेकर कई महत्वपूर्ण और आवश्यक दिशा निर्देश तय किए हैं, जिसके अंतर्गत कहता है कि विद्यालय का भवन उसकी सबसे महंगी संपत्ति होती है। आगे कहता है उसमें सर्वाधिक शैक्षिक मूल्य निकलना चाहिए। भवन के नवीनीकरण या निर्माण के समय सृजनात्मक एवं व्यवहारिक समाधानों का प्रयोग करके भवन के शैक्षिक मूल्य को उसमें सर्वाधिक शैक्षिक मूल्य निकालना चाहिए। भवन के नवीनीकरण या निर्माण के समय सृजनात्मकता एवं व्यवहारिक समाधानों का प्रयोग करके भवन के शैक्षिक मूल्य को अधिकतम तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार भौतिक वातावरण में बदलाव न केवल सौंदर्य परिवर्तन है बल्कि एक स्वाभाविक रूपांतरण है, जिसमें भौतिक स्थान शिक्षा शास्त्र और बच्चे से जुड़ जाता है। देश के विभिन्न भागों में विद्यालय एवं कक्षाओं में बड़े बड़े चित्र स्थायी रूप से लगे रहते हैं या पुरते रहते हैं। इस प्रकार के दृश्य होते तो अधिक आकर्षक है, परंतु कुछ समय बाद नीरस लगने लगते हैं और उस स्थान के आकर्षक को कम कर देते हैं। यानी कि देखिए, जब तक लगा रहता है तब तक, यानी कि हमेशा जब जब नया नया कलाकृति करेंगे तो क्या होगा, सबका अट्रैक्टिव करता है, लेकिन उसी को छोड़ दिया जाए तो बाद में क्या हो जाता है, वो नीरस लगने लगता है। तो वही कहता है इस प्रकार के उद्देश्य अधिक तो आकर्षित अधिक आकर्षण है, परंतु कुछ समय बाद क्या लगता है, नीरस लगने लगता है और उस स्थान के आकर्षक को कम कर देता है। उसकी जगह छोटे आकार के ध्यान से चुने गए भित्ति चित्र स्कूल को आकर्षण बनाने के लिए बेहतर हो सकते हैं। आगे कहता है विद्यालयों की दीवार का प्रयोग बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों या शिक्षकों द्वारा बनाई गई कृतियों के लिए होना चाहिए, जो हर महीने क्या हो, बदलते रहे। यानी हर महीना बदलेगा तो क्या होगा, बच्चे उस पर अट्रैक्टिव होंगे। इस प्रकार दीवारों को सजाना और कलाकृतियों को लगने में सहयोग करना भी क्या कहता है, भी बच्चों के लिए एक मूल्यवान शैक्षिक प्रक्रिया है। आगे कहता है कि NCF 2005 दस्तावेज ने स्वच्छता और सुरक्षा मानकों को लेकर महाविद्यालय भवन के साथ समझौता नहीं करने की बात कही है। NCF में कहा गया कि ढांचागत सुविधा में खेल के मैदान से समझौता नहीं होना चाहिए, कक्षाओं में पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी हो। यानी कि देखिए, जब रोशनी होगा तब तो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे ना। आगे क्या कहता है, बच्चों द्वारा की गई चित्रकारी हस्तकर्म के लिए स्कूल की दीवारों पर छोटे आकार के
चित्र हो जिन पर बच्चों और शिक्षकों द्वारा निर्मित क्या हो कलाकृति लगे रहे। सच तो यह है कि ढांचागत सुविधा शिक्षार्थियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने, गतिविधि केंद्रित स्तंभ उपलब्ध करवाने के लिए जरूरी है। स्थान, भवन तथा फर्नीचर संबंधी नियम व मानक तय करने से गुणवत्ता की समझ भी की पुष्टि होगी। आगे क्या कहता है, अगर स्थान की बात करते हैं तो स्थान में कहता है कि इन मानकों का संबंध आयु समूह के आकार, यानी कि एक आयु के अंतर्गत आयु समूह के अंत के आकार, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात और जिस प्रकार की गतिविधियां चलानी है उनसे है। भवन की बात करते हैं तो भवन निर्माण सामग्री, वस्तुशैली और कारीगर, स्थानीय जलवायु, भूगोल, उपलब्धता के आधार पर स्थल विशिष्ट होते हैं, जबकि जिससे सुरक्षा और स्वच्छता पर किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकती। शौच घर के कई प्रकार के कम खर्चीले डिजाइन उपलब्ध हैं और यह आवश्यक नहीं कि समूचे भारत में एक ही प्रकार के मानकीकृत स्कूल भवन हो, यानी कि अगर एक प्रकार का होता है तो क्या होगा, तो भी वो नीरस होता है। यानी कि मेन होता है कि भवन, आपका भवन जितना अच्छा होगा बच्चे उतने क्या होंगे आकर्षित होंगे, लोग उतने आकर्षित होंगे। आगे करता है कुर्सी मेज पर कहता है कि इसके मानक आयु और गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर तय किए जाए, जिसमें प्रयोगशालाओं तथा अन्य विशिष्ट गतिविधियों को छोड़कर ऐसे फर्नीचर को प्राथमिकता दी जाए जिन्हें आवश्यकता अनुसार अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से उपयोग में लाया जा सके। यानी कि आप इस प्रकार का फर्नीचर का प्रयोग ना करें कि जो फिक्स हो जाए, नहीं, जैसी जगह हो उसके अकॉर्डिंग उसको उठाकर उसी के अंतर्गत क्या किया जाए, उसको फिक्स कर दिया जाए। उपकरण में कहता है कि आवश्यक और वांछनीय उपकरण की सूची बनाई जानी चाहिए जिसमें ऐसी स्थानीय सामग्री और उत्पादनों के प्रयोग पर जोर हो जो संस्कृति विशिष्ट, कम खर्चीली और आसानी से क्या हो उपलब्ध हो जाता है उपकरण का। अगर समय की बात करते हैं, समय और आयु विशिष्ट मानकों और मौसम के अनुसार समय सारणी बनाए जाने की आवश्यकता है। यानी कि समय सारणी ऐसा रखिए, समय कैसा होना चाहिए, मौसम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब जैसे गर्मी के लिए अलग हो गया, जाड़े के लिए अलग हो गया, बरसात के लिए अलग हो गया, अगर अलग अलग मौसम बनाते तो क्या होगा, पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी रहेगी। आगे कहता है कि NCF 2005 ने कक्षा के भौतिक स्थान को सीखने के माध्यम के रूप में परिवर्तित करने पर क्या किया है, बल दिया है। विद्यालय भवन का कितना सृजनात्मक उपयोग हो सकता है, यानी कि कितना अच्छे से उपयोग हो सकता है, इसके बढ़ावा देने के लिए विद्यालय भवन के पारंपरिक ढांचे में बदलाव लाने की अपेक्षा की गई। अगर भौतिक स्थान से सीखने से तात्पर्य क्या कहता है, बच्चे अपने संसार को बहुत इंद्रियों से महसूस करते हैं, विशेषकर दृष्टि और स्पर्श से। एक आयामी स्थान बच्चों को सीखने के लिए एक विशेष क्या देती है, व्यवस्था दे सकता है, क्योंकि यह पाठ्य पुस्तकों तथा ब्लैक बोर्ड का साथ देते हुए बच्चों के लिए बहुत इंद्रिय अनुभव प्रस्तुत कर सकता है। आगे कहता है स्थानीय आयामों, संरचनाओं, आकाश कोनों, गति तथा स्थानीय विशेषताओं जैसे अंदर बाहर, सीमित, ऊपर नीचे का उपयोग, भाषा, गणित, विज्ञान तथा पर्यावरण की मूल अवधारणाओं को संप्रेषित करने के लिए किया जा सकता है। इन अवधारणाओं को उपलब्ध तथा नए बनाए जाने वाले स्थानों पर क्या किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। ये हो जाता है भौतिक स्थानों से सीखना। अब आता है कक्षागत स्थान। तो कहता है कक्षा कैसा होना चाहिए, देखिए कक्षा के अंतर्गत पहला कहता है कि खिड़की सुरक्षा जाली को इस प्रकार बनाया जा सकता है जिस पर बच्चे लेखन पूर्व कौशल, यानी लिखने के साथ साथ सीखने कौशल का तथा भिन्न को समझने का अभ्यास कर सके। कोनों के प्रसार को दरवाजे के नीचे चिन्हित किया जा सकता है जिससे बच्चों को
कोण की अवधारणा समझने में मदद मिले, या कक्षा की अलमारी को पुस्तकालय का रूप दिया जा सकता है। आगे कहता है, या ऊपर लगे पंखों में रंगा जा सकता है ताकि बच्चे विभिन्न रंगों के बदलते चक्रों का क्या कर सके, आनंद ले सके। तो ये हो जाता है कक्षागत स्थान। आगे कहता है अर्ध खुला या बाहर का स्थान। कहता है कि अर्ध खुला बाहर का स्थान के अंतर्गत कहता है खंभे की घटती बढ़ती परछाइयाँ जो धूप घड़ी की तरह समय मापने के विभिन्न तरीके समझा सकती है, शीत के मौसम के लिए उपयुक्त पर्णपाती पौधों को लगाना जो शीत ऋतु से पत्तियां गिराते हैं और ग्रीष्म में हरे भरे क्या होते रहते हैं, ताकि बाहर भी सीखने के लिए आरामदायक जगह को पुराने टायरों के उपयोग करते हुए एक रोमांचक खेल का मैदान बनाने, एक ऐसा स्थान जहां बस ट्रेन पोस्ट ऑफिस दुकान का आभास दिया जा सकता है, जहां बच्चे मिट्टी और बालू के साथ खेलते हुए भारत के रेखांकित नक्शे में अपने पहाड़ नदियों तथा घाटी बनाए की छानबीन खोज कर तथा तीनों आयामों के छानबीन स्थान या बाहर प्राकृतिक वातावरण पेड़ पौधों के साथ जो बच्चों को छानबीन करने का तथा स्वयं की अधिगम सामग्री खुद को मौका दे, जहां बच्चे जड़ी बूटी का बगीचा लगा सके और बरसाती पानी एकत्रीकरण देख और उसे व्यवहार में भी लाए। यानी कि आगे कहता है कि पाठ्यचार्य द्वारा सुझाए गए इन परिवर्तनों को कई विद्यालयों में शामिल किया गया है, जिसके कारण उनके विद्यालय भवन नीरस न रखकर क्या हो गए, आकर्षक हो गए। यानी कि बच्चे हम लोग जैसे जानते हैं कि हमारा भवन अगर जितना ही सुंदर रहेगा उतना ही क्या होगा, आकर्षित होगा, और उसमें जितने भी पर्याप्त चीज़ की जितनी भी जरूरत की चीज़ें रहेगी अगर पर्याप्त मात्रा में रहती है तो भी वो क्या होता है, आकर्षित होता है। और बच्चे क्या करते हैं, इससे बहुत कुछ सीखते हैं और सीखने के क्रम में क्या होते हैं, वो निरंतर आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि नीरस न रखकर आकर्षक हो और उनसे बच्चे सीखने के अवसर में भी बढ़ोतरी हुई, इसकी कुछ छाप आप अपने विद्यालय में भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे कहता है समावेशी शिक्षा और आपदा के दृष्टिकोण से भी विद्यालय में देखा जा सकता है। समावेशी शिक्षा और आपदा प्रबंधक के दृष्टिकोण से विद्यालय भवन में अपेक्षित बदलाव लाने पर क्या किया गया है, जोर दिया गया है। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आज मैं आपको बताया S9C के अंतर्गत NCF 2005 एवं BCF 2008 के पाठ्यक्रम निर्माण के शिक्षा शास्त्रीय मान्यताओं की व्याख्या, यानी कि शिक्षा शास्त्रीय लोगों ने क्या क्या व्याख्या दी है इसके अंतर्गत, उस चीज़ के बारे में हम लोगों ने देखा सुना और पढ़ा। सो आज का क्लास यहीं आपका समाप्त होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।